प्रशासन ने हर गांव के ठीक सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, अटल आदर्श ग्राम। एक ऐसा ही बोर्ड ग्राम गढ़सेर में भी लगा है, अटल आदर्श ग्राम गढ़सेर। और अटल आदर्श ग्राम होने की क्या शर्तें होती हैं? विद्यालय, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा और पेयजल। पेयजल सुविधा मूलभूत सुविधाओं में एक है, लेकिन तहसील मुख्यालय के बिल्कुल करीबी गांव गढ़सेर वैसे बहुत अच्छे पेयजल की समस्या से ग्रस्त है। यहाँ के लोग हैंडपंप का प्रदूषित पानी पीने को बाध्य हैं। विभाग अपने प्रति लापरवाही की बात नहीं कहता, विभाग को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन स्थिति कुछ और है। टोटल पानी की स्थिति की बात करें तो इस गांव में सरकार द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं 11 हैंडपंप यहां पर हैं, जिसमें से करीब 4 बोर ड्रिल के हैंडपंप हैं और बाकी इस तरह से बनाए गए हैंडपंप हैं। और इस प्राकृतिक स्रोतों की हम बात करते हैं तो 3 नौले यहां पर हैं और कुछ इस तरह के प्राकृतिक 1-2 स्रोत भी यहां पर हैं। 11 हैंडपंप अगर हम पीने के स्वच्छ पानी की बात करें तो सारे के सारे हैंडपंप में से पीने लायक पानी नहीं निकल पाता, फिर भी लोगों को इस्तेमाल के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण लोग इसी पानी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें उसका जो पानी है वो कुछ स्तर तक पीने लायक होता है, क्योंकि उस पर जो फिल्टराइजेशन होता है, उसका जो ज़मीन से पानी निकलता है उसकी थोड़ा बहुत शुद्धता हम लगती है कि पीने लायक है। होने को गांव में 6 हैंडपंप खुदे हुए हैं, लेकिन पीने का जो पानी आता केवल 1 हैंडपंप से प्राप्त होता है, वो भी पूरे गाँव के लिए कम्प्लीट नहीं हो पाता है। बहुत कम मात्रा में पानी निकलता है उसमें से, और वो भी अगर पानी अगर शाम तक रहे तो पीला हो जाता है। बाकी स्रोत तो वहाँ कोई है नहीं, एक नौला है, उसको पीने के यूज करते नहीं है। तो कारण ये है कि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया। तीसरी बात यह है कि ऊपर जहाँ पानी के स्रोत थे उन जगहों पर लोगों की बशाकत हो गई है, लोगों ने इस पर अतिक्रमण करके यहाँ पर या तो पेड़ काट दिए हैं या अपने छानियाँ बना ली हैं, अपने मकान बना ली हैं। ये नदियाँ तो केवल केवल नदी नालों पर या जंगलों पर आधारित हैं, तो जंगल नहीं रहेंगे तो अपने आप स्वाभाविक रूप से नालों में भी पानी कम होगा, नदियों में भी कम होगा। तहसील मुख्यालय के करीबी गांव में जब पीने के पानी की किल्लत है और लोग प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं, तो दूर दराज के गांवों की स्थिति क्या होगी? इस बारे में पेयजल विभाग के अधिशासी अभियंता से भी बात की, पर उनको लगता है कि स्थिति सामान्य है। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ट के लिए।